जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक विवाद जो है वो सबके समक्ष आ चुका है, और किस तरह से विवाद सबके समक्ष आ चुका है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता, उनके नाम पर काली पोथी गई है, और उसके नीचे जो है पूर्णिमा शर्मा जो डिप्टी मेयर है उनका नाम है, उसके बाद वार्ड नंबर 11 की जो कॉरपोरेटर है उसका नाम है। यानी कि पूरी तरह से सवाल बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं कि आखिरकार क्या आपसी जो विवाद है वो इस एक नेम प्लेट के माध्यम से जो है वो सबके समक्ष आ चुका है, क्योंकि जनता का उद्धार करने का काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। इस पार्क की जो है इनॉग्रेशन की जाती है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर देखी जाती है कि जो मेयर साहब है उनके नाम पर काली क्यों पोथी गई, क्या मतलब उस वहाँ का दर्जा नहीं रहा कॉरपोरेशन में उनका? मैं इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ऑनरेबल मेयर साहब हैं, और ये कल जो इनॉग्रेशन हुई उसमें जो यहाँ की जो कंसर्न्ड हमारी कॉरपोरेटर हैं वार्ड नंबर अनीता जी, बेटर वो कमेंट करें, क्योंकि इनॉग्रेशन उन्होंने करवाई थी। मेरे को मैं उपस्थिति के लिए मैं यहाँ पर उनके एक सहयोगी के नाते से उपस्थित रही हूँ, लेकिन कर्तव्य उनका बनता है कि वो इस पर कमेंट करें। लेकिन बुरा लगता है कि फादर ऑफ द सिटी हैं उनका नाम नहीं है। मैं पुनः आपके साथ यही शेयर कर सकती हूँ कि मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। आप बेटर की हमारी जो ऑनरेबल कॉरपोरेटर अनीता जी हैं वो इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि उनका कार्यक्रम था, उनका वार्ड है, उन्होंने कहा यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रखी थी। इससे मैं परिचित नहीं थी, मैं भी थोड़े समय के लिए उनके यहाँ उपस्थित रही हूँ, लेकिन बेटर वो कमेंट करें तो इट्स वेरी गुड। राहुल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक नया विवाद जिसका जन्म जांबुलोचन पार्क से हुआ है, इस पर इनका क्या तर्क है? राहुल जी, क्या लगता है कि मेयर के नाम पर काली पोथी गई है और डिप्टी मेयर खुद उद्घाटन करते हैं? देखिए, क्या इनकी क्या किस तरह की विचारधारा है, क्या इनका आपसी मसला है, पर ये तो यही टिप्पणी कर सकते हैं, पर हो सकता है कि किसी कारण से नहीं भी आ सकते हैं, पर इस तरह एक पार्टी के अंदर कालक लगा देना बोर्ड पर, और ये क्या दर्शाता है? ये तो जनता फैसला करेगी, जनता के सामने इनकी असलियत आ गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक ही कॉरपोरेशन के अंदर काम करते हुए और नाम के ऊपर काली कारक करवाना, ये तो बहुत दुखभागे भी है, और ये तो यही स्पष्ट करेंगे। बाकी लेकिन मेयर की पोस्ट बड़ी होती है डिप्टी मेयर से, तो जब हमने उनसे सवाल किया उन्होंने कहा कि ये कॉरपोरेटर की गलती है, लेकिन क्या उस समय डिप्टी मेयर को सवाल नहीं उठाने चाहिए थे? देखिए, ये कॉरपोरेटर की गलती है या डिप्टी मेयर की गलती है, ये तो यही इनका अंदर का क्या माजरा है यही स्पष्ट कर सकते हैं। पर जब ये नाम लिखवाया गया ऑनरेबल मेयर का चंद्रमोहन गुप्ता जी का, वो अगर नाम लिखवाया है उद्घाटन में आना या नहीं आना वो एक अलग मकसद है, नहीं पहुंचना। हमारे भी कहीं उद्घाटन ऐसे हुए हैं कांग्रेस के वक़्त कि जब नाम लिखवाने के कार लिखवाते थे, किसी दौरान वहाँ पर मंत्री साहब नहीं पहुँच पाते थे। तो इस तरह काला कागलक तो नाम पे लिखवाई नहीं जाती थी। ये बहुत शर्मनायक हरकत है एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काम करने के बावजूद बहुत ही शर्मनायक हरकत है इस तरह से नाम पे काली कागलक करवा देना। देखिए, साफ तौर पे बहुत शर्मनाक हरकत है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं, और जवाब जो है ये है कि अब जो गेंद है वो कॉरपोरेटर के पाले में डाल दी गई है कि वार्ड नंबर 11 की कॉरपोरेटर अनीता जी जो हैं उनको ये जानकारी है, हमें ये जानकारी नहीं है, बल्कि हमें बुलाया गया था और हम यहाँ पर आए हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरह से आप एक व्यक्ति को उस तरह का सम्मान देते हैं कि आप फादर ऑफ सिटी कहते हैं, और दूसरी तरफ से आपकी ही मौजूदगी में काली पोथी को आप सवाल नहीं उठाते। आप ये हमारे नहीं देखते, तो न्यूज़ एक्सप्लेन जो मुझे